चलो, तो ये मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, सेल्स के बारे में हम सीख रहे हैं, सेल्स के 9 स्टेप इसमें हम समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग क्या है? आस्क क्वेश्चन, लिसन, समराइज एंड लीड। लीड मतलब क्या है? आस्क क्वेश्चन मतलब सवाल पूछना, लिसन यानी सवाल पूछ के खुद नहीं बोलना है। ये तो हमें ज्यादा तरह कि हम ज्यादा बोलेंगे, हम ज्यादा बोलेंगे, हम ज्यादा बोलेंगे, नहीं, जब सेल्स को जाएंगे तो ज्यादा लिसन करना है, लिसन करना है, लिसन करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग, मतलब सिर्फ सुनने के लिए सुनना है। जैसे उसने बोलना बंद किया हमने बोलना शुरू कर दिया, जैसे बोलना बंद किया हम बोलना शुरू कर दिया। अभी उसने एक सवाल, उसने कुछ बोला नहीं तो हमारे पास धनाधन फायर फायर करके हम तैयार रहते हैं। तो सेल्स में ऐसा नहीं करना है, हमको सवाल पूछ के चुप बैठना है, लिसन 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 लिसन। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई अनकवर नीड करना है, आइडेंटिफाई अनकवर नीड कर नीड्स, हमें उसकी समझ नीड को जरूरत को जानना है और उसको समराइज करना है और फिर उसको आप लीड कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, वॉल्यूम डांस के की तरह वो आपको लीड करेगा और आप फिर उसके झमेले में फंस जाओगे, फिर आप अपना सेल नहीं कर पाओगे। चलो चलते हैं, इसी के लिए हम 9 स्टेप को समझेंगे, ठीक है? ये जब अपना ये खत्म होगा तब तो हम इसको रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है? तो 9 स्टेप्स एक बार समझते हैं। 9 स्टेप के साथ आपका सेल्स सेलिंग बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला एलिवेटर पिच, एक एक को समझेंगे हम। एलिवेटर पिच, फिर सेट कॉन्टेस्ट, फिर अंडरस्टैंड द नीड, आपकी नीड को समझेंगे। एलिवेटर पिच एक बार देखिए, 9 स्टेप। एलिवेटर पिच आपको ऐसी तरह से एलिवेट करना है कि आप सामने वाला आपका सुनकर वो झैप हो जाए। फिर दूसरा सेट कॉन्टेस्ट, आपको एग्जैक्टली किस नियमों पे उसके साथ सेल करना है आपको पता होना चाहिए। उसके नियमों पे चलोगे तो वो आपको लीड करेगा। सेट कॉन्टेस्ट आपके नियम क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी नीड, उसकी नीड समझने के लिए उसका सुनना पड़ेगा। उसके बाद एस्टेब्लिश नीड, आप उसने जो बोला और आपने समझा एक ही है क्या? नहीं तो उसने कुछ बोला होगा और आपने कुछ अलग ही समझा होगा और आप कुछ अलग ही बेच के आ जाओगे, और अलग बेचोगे तो वो लेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो जरूरत है उसकी सेटिस्फाई द नीड करना है। तो अंडरस्टैंडिंग इज बहुत पावरफुल है। फिर एस्टेब्लिश, हाँ, उनको आपको लिखना है, समराइज करना है। अच्छा, आपने ये बताया, आपने ये 5 आपकी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बताए, यही 5 सही है ना या इसके अलावा कुछ है? छठवां है, सातवां, हाँ, बोलेगा अच्छा और एक प्रॉब्लम है मेरा, इसका भी प्रॉब्लम है, मेरा बीवी का भी प्रॉब्लम है, मेरा माँ बाप का भी प्रॉब्लम है, मेरा बेटे का भी प्रॉब्लम है, तो और प्रॉब्लम बनेगा। आपको 10 प्रॉब्लम लिखने नहीं है, आपके पास 10 प्रॉब्लम आ गई, बोला अच्छा और कुछ है, आठवां नौवां दसवां के बाद 11वां 12वां, तो और समय देना है, तो और कुछ बोलेगा, हाँ अभी खत्म हो गया, फिर उसकी नेक्स्ट, फिर उसको पूछना है। चलो आपने 12 प्रॉब्लम बताई, मैंने लिखी है, जो आपने बताया और मैंने जो समझा वो सेम है ना? बोलेगा हाँ यही है। फिर आप बोलना शुरू करोगे, फिर आप अपना एस्टेब्लिश नीड पक्का हो गया, फिर आपके पास प्रोडक्ट है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके 5 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम या 12 प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से आप उसका वैल्यू शो करोगे। देखो आपका एक 5 प्रॉब्लम है, तो 5 5 10 है और 2 12 12 का 12 प्रॉब्लम मेरे प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा। इसका कॉस्ट इतना है, इसका कॉस्ट इतना है, इसका वैल्यू इतना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है। जैसे आप बोलोगे, शो वैल्यू करोगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो पहले या तो उड़ेगा या सेंट्रलाइज रहेगा या बोलेगा इतना कम, तो ये कुछ भी तो उसका ऑब्जेक्शन आने वाला है, तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आप तैयार रहो। जो भी ऑब्जेक्शन आएगा उसका ऑब्जेक्शन यहाँ पर हैंडल करोगे 6वीं स्टेप पे जाके, क्योंकि आपने, आप डेफिनेटली आपने उसका वैल्यू हाई करके बताया है। आप उसको देना है, मान लो 1 लाख में देना है, तो आप उसको 4 या 5 लाख में बताया है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए जो भी सवाल है करोगे, क्योंकि यही रूल है, 1 लाख का बोलोगे तो वो 20 हजार में मांगेगा, तो बेटर है 5 लाख बोलो और फिर 1 लाख में बेचो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसका क्या क्या पता होना चाहिए, उसी वक्त उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खटाखट 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 जो भी आएगा उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कट करना है। उसके बाद 7th है, मेक ऑफर्स। अभी देखो, मैं ये 5 लाख का है, बट मैं अभी, आप 10 मिनट में अगर डिसीजन लेने वाले हो तो मैं यही 5 लाख का आपको 2 लाख में भी दे सकता हूँ। 2 लाख छोड़ो, मुझे आपका केयर है, मुझे आपका 12 का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अभी आप 10 मिनट में मुझे 20 हजार रुपए देते हो टोकन अमाउंट, तो मैं आपको ये मेरा 5 लाख का ऑफर सिर्फ 1 लाख में दे रहा हूँ। पर अभी 10 मिनट के अंदर डिसीजन लेके आप जो फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो एक्शन टेकर्स होते हैं, जो लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, आप 20 हजार मुझे दे दो, बचेगा 80 हजार, आप 3 दिन के अंदर देना, मैं 3 दिन के अंदर आपको समय देता हूँ अरेंजमेंट करने के लिए, मुझे पता है 80 हजार बड़ी रकम होती है, 3 दिन में देता हूँ, 3 दिन के बाद आप जैसे 80 हजार दो दोगे मुझे, आपका वर्कशॉप शुरू हो जाएगा। मेक ऑफर्स। 8वां नंबर है निगोशिएशन, निगोशिएट इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो निगोशिएट भी कर सकते हैं। आपने हमने आपने 1 लाख पे ऑफर कर दिया, लॉक वो निगोशिएट करेगा, अगर पॉसिबल है
10,000, 5,000, 20,000 आप निगोशिएट कर सकते हो। नहीं, मेरा इतना प्राइस है, पर इतना पागलपन नहीं है कि उसने 80,000 बोला और 20,000 के लिए छोड़ दिया, ये भी पागलपन सही नहीं है। वो समय के साथ उसकी जरूरत के हिसाब से आप 80 लाख का 90,000 80,000 में बेच सकते हो, या कुछ ऑप्शन उसको दे सकते हो, ईएमआई से पे करो या 2 टर्म में 2, 3 टर्म में 2, ऐसा कुछ निगोशिएटिव कर सकते हैं। नहीं, मेरा 1 लाख ही है लेकिन अभी 20,000 देना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट महीने में 50,000 दो, उसके बाद नेक्स्ट महीने में 50,000 दो, मुझे चलेगा क्योंकि मेरा 1 लाख है, क्योंकि मेरे खर्चे है, मेरे कंपनी के खर्चे है, मेरे ऑफिस के खर्चे है, आप इसको बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट 9th इज कमिटमेंट एंड क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब किया और ये नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं। यस, आप दे रहे हो ना 10 मिनट के अंदर, आप मुझे अगर 20,000 दे रहे हो तो मैं आपका क्लोज कर रहा हूँ, नहीं तो ये थैंक यू वेरी मच, आपको कुछ और भी मिल जाएगा। हाँ, मेरे से भी सस्ता वाला मिल जाएगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, आपको सस्ता भी लाइफ कोच मिल जाएगा। वो 20,000 क्या 10,000 भी दे रहा होगा, बट मेरा क्वालिटी वो नहीं मिलेगा। मैं 10 मिनट आपके पास यहाँ रुका हूँ, आपके पास 10 मिनट में अगर 20,000 देते हो, कैसे भी देते हो, आप मुझे चेक दिया भी चलेगा, आप मुझे गूगल पे करो भी चलेगा, आप मेरे बैंक में ट्रांसफर करो भी चलेगा, ये 3 ऑप्शन है, कैसे भी करो, आप क्रेडिट कार्ड से करो। 20,000 मुझे अभी चाहिए तो मैं 1 लाख में डन करता हूँ, एक कमिटमेंट है और एक कमिटमेंट अमाउंट मैं आपसे दे रहा हूँ, और आपको मैं 80,000 के लिए बाकी का समय दे रहा हूँ, एक महीने बाद मुझे 40,000 दो और एक महीने बाद 40,000 दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आपको देना है, 90 डेज में मुझे आपको रिजल्ट देना है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ। बट मेरा पूछा है कि मेरा वैल्यू है 1 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू मेरा है, आज लोगे तो 1 लाख रुपया और एक महीने बाद आओगे तो यही नॉलेज रहेगा बट 2 लाख में जाए, फियर फैक्टर हमें उसको डाल देना है, कमिट करके चलो हटाओ 20,000 क्या है। तो इस तरह से हम ये 9 स्टेप के साथ उसको क्लोज करना हमें आसान हो जाए।